मोस्ट पावरफुल रेस्पिरेटरी स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग इन अ हेल्दी पर्सन। तो अब हमें यदि रेस्पिरेटरी स्टिमुलस की यदि हम बात करें तो हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो ही रेस्पिरेटरी स्टिमुलस है, और वो है हमारे पास एक तो है एच प्लस, है ना, इसका ज्यादा हो जाना, और दूसरा है सीओ टू की कॉन्सेंट्रेशन का ज्यादा हो जाना। ठीक है, लेकिन अब इसमें से मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस की आप बात करो तो फिर आ जाएगा हमारा सीओ टू। ठीक है, क्या आ जाएगा, सीओ टू आ जाएगा। लेकिन अब हमें ध्यान ये रखना है कि इस मैं डीपीपी में शायद इसका आंसर रॉन्ग दिया है। इसमें आंसर क्या दे रखा है, पीएच दे दिया है, लेकिन पीएच यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास एक और मोस्ट पीएच, देखिए पीएच गलत नहीं है, पीएच गलत नहीं है, पीएच करेक्ट है, लेकिन और वो भी एसिडोसिस दे रखा है, इसमें भी एसिडोसिस दे रखा है तो ये करेक्ट है ना। लेकिन मोर करेक्ट की आप बात करोगे तो फिर वो यहाँ पे इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, क्योंकि इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल लीड टू एसिडोसिस, है ना। तो इसकी इन दोनों की वजह से ही क्या होता है, रेस्पिरेटरी जाता है हमारी रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करने के लिए। तो आप देख लीजिए, तो दोनों ही सही है, लेकिन मोर करेक्ट यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन आएगा, बाकी तो रॉन्ग ही हो जाए। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, ऑक्सीजन तो डिपेंड ही नहीं करता, और एल्कलोसिस भी नहीं आएगा, है ना, एल्कलोसिस भी नहीं आएगा क्योंकि हमें ब्रीदिंग करवाना है ना, ब्रीदिंग करवाना है। ब्रीदिंग में खैर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही आ जाता है, पर मैंने क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड का रोल ज़्यादा आएगा, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो जाएगा। फिर यहाँ पे चाहे एसिडोसिस हो चाहे एल्कलोसिस हो, पीएच को हम सेकेंड नंबर पे ही डालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बी हमारा आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन की कैटेगरी मीडियम कैटेगरी, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है।